टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अनुसूचित जाति के शिया राम के घर की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। पीड़ित पुलिस स्टेशन से लेकर उच्च अधिकारियों तक के चक्कर लगाकर थक चुका है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूरी में पीड़ित परिवार को आखिरकार अमरण अनशन पर बैठना पड़ा। मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बालपुर जाट के सेवक पुरवा का है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने इस अनुसूचित जाति के परिवार के लोगों के साथ मारपीट की और इनके घर को पहले आग के हवाले कर दिया था और उसके बाद अब इनकी जमीन पर कब्जा करके निर्माण किया जा रहा है। ये पीड़ित परिवार दर दर इंसाफ की मांग के लिए भटक रहा है, मगर इनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। पहले हम आपको इस पीड़ित परिवार का दर्द सुनाते हैं। हमारी जमीन साहब लाले बाबा ने कब्जा कर लिया है। पहले से हमारे पुरखों ने उस पर रहते थे, ग्राम समाज की जमीन ही हमारा छप्पर था, उसको उठा ले गए थे पहले, अब उस पर निर्माण कर लिया। हम बोलने गए वहाँ तो हमारे को मारा पीटा, थाने पे रिपोर्ट किया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, एसपी साहब के गए वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में वो कहता है हम सारी जगह 5 लाख रुपए दे के खरीद लिया है। कौन कहता है? लाले काशीनाथ कहते हैं, था पूरा थाना पूरा इजलास मैंने खरीद लिया है, हमारा तुम कुछ नहीं कर सकते। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ गोंडा से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हामिद अली, हम उन्हीं से बात करेंगे। हामिद अली, किस तरह से इस पीड़ित परिवार जो सियाराम है इनके जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, दरअसल ये पूरा मामला है क्या? जी आपको बताते हैं, ये बालपुर जाट का मामला है, थाना देहात कोतवाली के अंतर्गत ये आता है बालपुर जाट, जिस गांव में पीड़ित है सियाराम, उसी के घर को कुछ दिन पहले दबंगों ने आग लगा दिया था और छप्पर पर फाड़ के फेंक दिया, आग भी लगा दिया, उसी की जमीन पे कब्जा कर लिया सियाराम की जमीन पे। और पीड़ित महिलाएं भी साथ में आई थी जो आज जो है धरना पे बैठी हुई थी अमर अनशन पे। जी हाँ जी, बताया जा रहा है कि ये उच्च अधिकारियों तक भी अपनी शिकायत लेकर गए, लेकिन अभी तक इस मामले में क्या कोई FIR दर्ज हो पाई है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में? जी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, थाना जो है देहात कोतवाली वो जाता है इधर उधर करके चला आता है, कोई गिरफ्तारी नहीं। इसमें संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, 307 या और भी धाराएं हैं जो भी है संगीन है वो सब लगी हुई है, मगर फिर भी जो है कई धाराएं इसमें लगी हुई है, 147 और 148, 307, 504 कई धाराएं लगी हुई है, इसमें कोई गिरफ्तारी अभी नहीं। जहां तक है SP ऑफिस ये हर जगह हो चुका है। आखिर क्यों गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? आपने क्या इस पे अधिकारियों से बातचीत की है, क्या मामला है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? इसमें जो है अपना SP जो है लिखित देते हैं कि हाँ इस पर कार्रवाई की जाए, मगर वहां से जाके जहां पे थाना कोतवाली जाता। ये भी बात सामने आ रही कि पीड़ित परिवार कह रहा है कि दबंग खुद कहते हैं पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ वो कह रहे हैं कि हमने थाना को खरीद रखा है या जो भी है कहीं पैसा दे रखा है, ऐसे आरोप वो लगा रहा है कि ऐसे दबंग द्वारा कहा जा रहा है और जला के भगा देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, निकल जाओ, बहुत तरीके से पीड़ित ने हमसे बात की है। किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है इस मामले में? हाँ इस मामले में अभी अधिकारी जो है अभी वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, इससे तभी देंगे बयान जब कार्रवाई सारी हो जाएगी, क्योंकि हम लिखित दे रहे हैं थाना को भेज रहे हैं और वहां से जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, बिल्कुल सुन हो जाता है जाकर। ये हरजन है, पीड़ित है और दलित समाज के लोग हैं जो अभी भी यहाँ पे सताए जा रहे हैं, मगर कहीं इनकी सुनवाई यहाँ तक है। हर एक SDM सब जगह वो जा चुके हैं, SP के यहाँ जा चुके हैं, मगर घूम हार के आज उनको अमर अनशन से बैठने को मजबूर होना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए। गोंडा से हामिद अली ने आपको बता दी कि जिस तरह से ये पीड़ित परिवार अपने ही आशाने के लिए अमरण अनशन पर बैठा हुआ है, क्योंकि दबंगों ने इसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो है इन दबंगों पर कार्रवाई न करते हुए दिखाई दे रही है।
अब देखने वाली बात यह है कि आखिर क्या इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा और दबंगों पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।